हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्दी कंडक्ट करा लिया जाएगा, यानी कि आपका मिड ऑफ अगस्त में एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी का पेपर टू, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं साहित्य निर्धारित कवि, ये इसका पार्ट सिक्स है। तो टोटल में फाइव पार्ट को अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोग विद्यापति की जीवनी के बारे में पढ़े हैं, कबीरदास की जीवनी के बारे में पढ़े हैं, और अभी हम लोग सूरदास की जीवनी के बारे में सारे क्वेश्चन को स्टडी कर रहे हैं। सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना लेट के हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, जो है आपका कि सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है, बताइए। तो सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? तो जी हाँ, सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म जो है वो ये है कि प्रजा का हित करना, ये आपका सच्चा धर्म होता है सूरदास के अनुसार। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है, बताइए किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो जी हाँ, प्रीति नदी जो है वो बेसिकली कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है, श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मन की मन ही मांझ रही का अर्थ क्या है, बताइए। तो बेसिकली मन की मन ही मांझ रही का अर्थ जो है ये है कि मन की बात मन में ही रहना, इसका मतलब यही होता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गोपियां सोते जागते दिन रात किसका ध्यान करती हैं, बताइए। बहुत ईजी है ना। तो जी हाँ, गोपियां सोते जागते दिन रात श्री कृष्ण का ध्यान जो है वो किया करती हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि ज्यों जल माहे तेल की गागरी बूंद ना ताको लागी, प्रस्तुत पंक्ति में पानी की बूंद की कौन सी विशेषता बताई गई है, बताइए। तो जी हाँ, इसमें जो पानी की विशेषता बताई गई है वो ये है कि पानी की बूंद जो है वो तेल लगी मटकी पर टिकती नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूरदास अब धीर धर ही क्यों मर्यादा ना लही, प्रयुक्त पंक्ति में गोपियां कहती हैं कि अब धीरज क्यों धरना करे जब मर्यादा का पालन नहीं किया गया। किसने मर्यादा का पालन नहीं किया गोपियों के अनुसार, बताइए। तो जी हाँ, गोपियों के अनुसार कृष्ण ने जो है ना वो मर्यादा का पालन नहीं किया। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गोपियां किससे गुहार लगाना चाहती हैं, तो गोपियां जो है ना वो बेसिकली अपने आराध्य श्री कृष्ण से जो है वो गुहार लगाना चाहती हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा, बताइए। क्यों बोला बड़भागी? तो इसलिए बोला क्योंकि ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव पर व्यंग्य किया, यानी कि उनका मजाक बनाया ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि उद्धव को बड़भागी किसके द्वारा कहा गया, बताइए। वही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछा गया है कि उद्धव को बड़भागी जो है वो गोपियों के द्वारा कहा गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूरदास के उपास्य देव कौन थे, बताइए कौन थे। तो जी हाँ, सूरदास के उपास्य देव जो है वो आपके श्री कृष्ण हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गोपियाँ कौन सी बात किसे बताना चाहती थी, तो गोपियाँ जो है ना वो अपने मन की बात श्री कृष्ण से बताना चाहती है ना, यही इसमें इसका मतलब है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है ना। तो देखिए, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कवि सूरदास के गुरु कौन थे, बताइए। बहुत ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो कवि सूरदास के गुरु जो थे ना वो आपके वल्लभाचार्य थे ना, तो इसे याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि प्रीति नदी में पाँव ना बोरियो दृष्टि ना रूप परागी, इस पंक्ति में किसने प्रीति रूप नदी में पैर नहीं डुबोया, बताइए किसने नहीं डुबोया। तो जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका उद्धव ने नहीं डुबोया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि मन की मन ही मांझ रही, इस पंक्ति में किसके मन की बात मन में रह गई है, बताइए। तो जी हाँ, इसमें बेसिकली गोपियों की मन की बात जो है उनके मन में ही रह गई, क्योंकि कभी कृष्ण उनके पास वापस लौट के नहीं आए और वो अपनी बात को कभी उनसे कह नहीं पाई। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गोपियाँ जागते सोते सपने में दिन रात किसका नाम जपती हैं, तो जी हाँ, किसका नाम जपती हैं? कृष्ण का नाम जपती हैं ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गोपियों ने योग संदेश किसे देने को कहा है, बताइए किसे देने को कहा है। तो देखिए, गोपियों ने योग संदेश उद्धव के माध्यम से उसे देने को कहा है जिसका मन जो है वो चंचल है, क्योंकि गोपियों का मन जो है वो चंचल नहीं, स्थिर है।
चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास का, निम्नलिखित में से क्या भ्रमर का पर्यायवाची है, बताइए भ्रमर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि भ्रमर का पर्यायवाची जो है वो आपका मधुर है। क्या है? मधुर है ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि जकड़ी शब्द का क्या अर्थ होता है, बताइए जकड़ी शब्द का क्या अर्थ होता है। तो जकड़ी शब्द का अर्थ होता है किसी चीज़ का रट्टा मारना, रट्ट लगाना ना। चलिए वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि समूझी बात का डैश के समाचार सब पाए, निम्नलिखित में से रिक्त स्थान पर उचित शब्द का चयन कीजिए, बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो जी हाँ, यहाँ पे बेसिकली आपका जो शब्द होगा ना वो आपका मधुकर होगा। क्या होगा? मधुकर शब्द होगा ना। समूझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, इस तरह से होगा यहाँ पे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी ग्यो पागी, इस पंक्ति में निहित अलंकार बताएं, इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए इसमें आपका दृष्टांत अलंकार है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि बीथा शब्द का तत्सम रूप लिखिए, तो बीथा शब्द का तत्सम रूप जो है वो आपका व्यथा होता है। क्या होता है? व्यथा होता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गोपियाँ किससे गुहार लगाना चाहती हैं, बताइए। अभी जस्ट लोग देखे हैं ना, तो गोपियाँ जो है ना वो बेसिकली श्री कृष्ण से जो है वो गुहार लगाना चाहती हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है, बताइए। तो हारिल पक्षी से गोपियों की तुलना की गई है। जिस तरह से हारिल पक्षी एक पांव पे पेड़ को पकड़े हुए था, उसी तरह से गोपियां जो है वो कृष्ण से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, इसीलिए गोपियों की तुलना जो है वो हारिल पक्षी से की गई है। तो चलिए इस तरह से हम साहित्य निर्धारित कवि में सूरदास की जीवनी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को स्टडी किए हैं। अभी और कुछ क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं जिसको हम लोग स्टडी करेंगे, बट इन दी नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड, और भी कोई टॉपिक को स्टडी करना है, तो प्लीज कमेंट उसमें कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे मैं बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं दे रही हूँ, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन बताए हो ना, इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपको कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा। प्लस में ये आपका एक लाइन से दिया हुआ है, पहले विद्यापति जी के बारे में हम लोग स्टडी किए, फिर कबीरदास जी के बारे में स्टडी किया, अब सूरदास जी के बारे में स्टडी करें, तो हम लोग एक लाइन से सारे कवि की जीवनी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसलिए आपको कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राइट, थैंक यू।